लॉकडाउन में गरीबों और असहायों की मदद के लिए अब सामाजिक लोग भी आगे आ रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। इसी क्रम में वार्ड नंबर 13 के सामाजिक कार्यकर्ता प्रमोद कुमार ने अपने पुत्र राहुल कुमार, संदीप कुमार के साथ मिलकर जरूरतमंदों के बीच राशन का वितरण किया। आटा, चावल, दाल, सब्जी का पैकेट बनाकर लोगों के बीच वितरण किया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर ख्याल रखा गया। राहुल कुमार ने बताया कि प्रतिदिन दर्जनों लोगों के बीच राशन का वितरण किया जा रहा है। हम लोग वार्ड नंबर 13 में अपने स्तर से जितना हम लोग से हो सकता है आटा, चावल, तेल, मसाला, आलू, प्याज और नमक का वितरण कर रहे हैं गरीब लोगों में। जो भी महामारी है जो पूरे देश विदेश में चल रहा है उसको लेकर छोटी सी कोशिश है हम लोग का जो अपने तरफ से कर रहे हैं। कितने लोगों को रोज देंगे और कहां कहां देंगे? मेरा लिमिटेड मतलब मिनिमम 50 आदमी को डेली देना है, 50 आदमी को, और ये डेली चलेगा। चिन्हित करके वैसे लोग, हाँ, गरीब आदमी को चिन्हित करके, जो असहाय है, जो ठेला वाला है, मजदूर है, जो डेली रोजी करता है उसका नहीं खा पा रहा है, उसको लिए सब दिला। वितरण कहाँ पे हो रहा है? ये शास्त्री नगर में हो रहा है, नथनी प्रसाद प्रमोद जी मोहन जी के घर पे, जो गरीब लोगों को दिला रहा है वार्ड नंबर 13 में। ठीक, उसमें आपके वार्ड पार्षद का भी भागीदारी है? नहीं नहीं, वार्ड पार्षद द्वारा नहीं है, ये मेरा निजी है, हम लोग अपने घर के लोग के सहयोग से कर रहे हैं। हम लोग असहाय जो भी हैं उनके बीच में कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा महामारी है और ये देश और विदेश सभी जगह इसकी महामारी चल रही है, तो हम लोग भी छोटी सी कोशिश किए हैं अपनी तरफ से और यही चाहेंगे कि आगे भी आएँ, जो नहीं किए हैं वो आगे आएँ और वो भी इसी तरह से छोटी छोटी कोशिश करके हम लोग एक कड़ी बनाएँ। किसके बीच वितरण किया जा रहा है, कितने लोगों के बीच वितरण किया जा रहा है, क्या क्या? ऐसे तो हम लोग जितना हो सके उतना करेंगे और ये लगातार अभी चलता रहेगा। क्या क्या वितरण किया जा रहा है? वितरण में यही है कि चावल, आटा, दाल और तेल है, नमक है, आलू प्याज है और मसाला है।